बुधवार की शाम हल्द्वानी के शनि बाजार स्थित बरसाते नाले में बहे 8 साल के मासूम का शव आज दोपहर लाल कुआं के मोटा हल्दू से सेफी भगवानपुर गांव की नहर से बरामद कर लिया गया है, जिसका पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बरसाती नाले में बहे बच्चे की खोजबीन में पुलिस, स्थानीय प्रशासन, SDRF और NDRF की टीम लगी हुई थी। इसी बीच दोपहर को खेत में जा रहे व्यक्ति ने बच्चे का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी को दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने SDM सहित पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। सूचना मिलते ही उप जिलाधिपति परितोष वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं SDM परितोष वर्मा ने बताया कि आपदा मद से पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया की जाएगी। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। बारिश हुई थी, उसमें शनि बाजार नाले से वनगुलपुरा का बच्चा रहा था 7 बजे, और आज यहाँ पे सूपी भगवानपुर गांव में जो गूल है, गूल में से इनका शव बरामद हुआ। स्थानीय ग्रामीण की सूचना पर हम यहाँ पर आए थे। इससे पूर्व भी NDRF, SDRF और पुलिस और स्थानीय प्रशासन जितनी भी टीम है उन्होंने सर्च किया, लेकिन क्योंकि बॉडी में सफलता नहीं मिलने में सफलता नहीं मिली थी, तो आज क्योंकि सर्च ऑपरेशन हमारा भी जारी था। यहाँ पे प्रधान जी हैं जो थी, उन्होंने हमें यहाँ पर फोन करके बताया, टीम ने यहाँ पर सबको बरामद कर लिया। और मतलब उन्होंने पानी इकट्ठा हुआ, जब उस बॉडी को छेड़ा तो आगे निकला तो बच्चे का सर, फिर एकदम आपने बता दिया था कि यहाँ पर एक जो है छोटी उम्र में बच्चा मिला और वो काफ़ी सभी आ गए थे। ये सूफी भगवानपुर गाँव है,